नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के तुगलकाबाद में स्कूल के पास कंटेनर डिपो से गैस लीक होने पर मचा हड़कंप। गैस रिसाव से 110 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, सभी को अस्पताल ले जाया गया। आप में अंदर खाने सियासत जारी। विश्वास पर आरोप के बाद पार्टी से निलंबित अमानतुल्ला अल्पसंख्यक कल्याण समिति अध्यक्ष समेत 6 कमेटी के सदस्य बने। यूपी को स्वच्छ बनाने की मुहिम पर निकले सीएम योगी। लखनऊ के मलिन बस्ती में लगाई झाड़ू, कल कानपुर में छेड़ेंगे अभियान। घाटी में लूट की वारदातों के मद्देनजर राज्य सरकार का अहम फैसला। 40 बैंक शाखाओं से नकद लेन देन पर लगाई रोक। घाटी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के चैनल्स पर भी बैन के आदेश। असम 3 महीने के लिए अशांत घोषित। केंद्र सरकार का अफ्सपा जारी रखने का फैसला। मेघालय और अरुणाचल के कई इलाकों में भी कानून लागू। नोएडा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रा ने रचा अपने ही अपहरण का जाल। पिता से फिरौती के नाम पर वसूले 10 लाख रुपए। 4 घंटे में साजिश का हुआ पर्दाफाश, लड़की समेत 4 लोग गिरफ्तार। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किए बाबा के दर्शन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राष्ट्रपति ने की पूजा अर्चना। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की फिर बहाल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। संसद को महाभियोग प्रक्रिया रोकने का निर्देश। सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने बदला बयान। सभी के सहयोग से उपक्रम विकसित करने को इच्छुक नहीं भारत। पाक ने प्रस्ताव के दौरान खुद को किया था अलग। और आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पंजाब की जीत। बेंगलुरु को 19 रनों से हराया। पंजाब ने दिया था 138 रनों का लक्ष्य, लेकिन बेंगलुरु 119 रन बनाकर हुई ठेर। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।